हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकमैन। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम दिल्ली इलेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ है और 8 तारीख को दिल्ली इलेक्शन था और उससे 3 दिन बाद इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया 11 तारीख को और 11 फरवरी को। सो गाइस, आप सबको पता ही होगा क्या इसका रिजल्ट है और कौन सी पार्टी जीती है और किसकी ज़्यादा उम्मीद थी, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वहाँ पे कितनी टोटल सीट है। तो दिल्ली में जो टोटल सीट है 70 और वहाँ पे 70 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे एमएलए सेलेक्ट किए जाते हैं और 70 में से जो 36 सीट्स जो हासिल कर लेगी जो पार्टी वो विजेता हो जाएगी और वो उसी का वही मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली स्टेट में। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है और किसको कम मिली है। तो आम आदमी पार्टी से शुरुआत करते हैं जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही है। सो हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली है और पिछले इलेक्शन के मुकाबले 5 सीट कम मिली है, पर फिर भी 62 सीट बहुत होता है। दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 62 सीट हासिल करना बहुत ही, और वो भी बैक टू बैक इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना किसी पार्टी का, ये किसी नेतृत्व में अच्छी विश्वास को जताता है, जनता के विश्वास को जताता है। और अरविंद केजरीवाल फिर इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, 16 तारीख को शपथ लेंगे और शपथ वहीं से लेंगे जहां से उन्होंने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, रामलीला मैदान। तो आम आदमी पार्टी के जो जीतने का कारण भी है, तो आप कुछ कारण हो सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी क्या क्या कारण है आम आदमी पार्टी जीतने के और बीजेपी के। अब दूसरे पार्टी की तरफ चलते हैं, बीजेपी का। तो बीजेपी इस बार जो चुनाव में जो सीट जीती है वो 8 सीट जीती है। तो एक मीम बहुत चल रहा है, पिछली बार इसकी 3 सीटें थी, पिछली बार टाटा नैनो में फिट हो जाते थे बीजेपी के विधायक, तो इस बार 8 सीटें आए तो एसयूपी में फिक्स हो जाएंगे। तो चाहे 5 सीट बढ़ गया हो फिर भी इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं माना जाएगा, फिर भी हार हार होती है और बीजेपी फिर इस बार जो कई सालों से सपना देख रही है कि दिल्ली में अपना गवर्नमेंट बनाएगी, इस बार फिर उसको हार का सामना करना पड़ा है और फिर वो 5 साल के लिए सत्ता से दूर रहेगी और विपक्ष में बैठेगी। तो अब कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस की बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, 0 सीट है। और क्या फ्यूचर रहेगा कांग्रेस का भविष्य दिल्ली में, वो भी हम देखेंगे और देखते हैं हार की वजह क्या क्या है बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की जीत की वजह क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुद्दे क्या कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जीतने की वजह क्या रही है और बीजेपी की हारने की वजह क्या रही। तो सबसे जो पहला मुद्दा था आम आदमी पार्टी का वो था फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो 200 यूनिट तक हमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रखी है और वाटर जो फ्री है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है लोगों के बीच में कि हमें बिजली की बिल पे नहीं करना पड़ता। जो भी दिल्ली में रहते हैं उनके रहना इतना सस्ता हो गया है, 200 यूनिट तक आपको कोई भी बिजली बिल नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम कह सकता हूँ कॉमन मैन के लिए है कि डायरेक्ट उसके जेब पे असर डाल रही है, मतलब जेब पे पॉजिटिव असर डाल रही है, नेगेटिव नहीं। मतलब उसका खर्चा कम होगा तो उस पर स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बढ़ेगा। फ्री वाटर है, जो कि वाटर का बिल पहले 1000-2000 आता था तो अब वो नहीं आता है, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहा है चुनाव में। उसके बाद जो DTC महिलाओं के लिए फ्री कर दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं फ्री जो पॉलिटिक्स थी आम आदमी पार्टी की वो यहाँ काम आई और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है आम आदमी पार्टी के दिल्ली चुनाव जीतने में। तो दूसरा जो मुद्दा है वो है डेवलपमेंट का। तो अब बीजेपी का इसके अगेंस्ट क्या मुद्दा था वो देखते हैं पहले। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने रिलीजन के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश करी, उन्होंने उन्होंने कई मुद्दे उठाए जो कि जैसे कि एक उनके लीडर थे, उन्होंने सीधा ये बोल दिया था कि गोली मारने को बोला था और वॉयलेंस अपने जो भी उनका सभा हो रहा था तो उसमें वॉयलेंस का यूज़ किया था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही थी उस चुनाव में, तो वो भी एक इनके हार का वजह बनता है। दूसरा जो आम आदमी पार्टी का जो दूसरा मुद्दा था वो डेवलपमेंट का था, जो उन्होंने रोड्स बनाए और जो उनका दिल्ली का GDP फिर भी हाई रहा इतना सब फ्री देने के बाद भी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा था दिल्ली को
दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतने का। फिर अब बीजेपी आते हैं, तो बीजेपी का जो मुद्दा था वो था शाहीन बाग का। तो जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया था वो शाहीन बाग में, और वहां पे बोला था कि जो दिल्ली का जो करंट है वो सीधा जो चुनाव अगर बीजेपी जीतेगी तो जो चुनाव का जो रिजल्ट का जो करंट होगा सीधा शाहीन बाग को लगेगा। और शाहीन बाग में आपको पता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने वहां पे डेरा डाल रखा था काफी दिनों से। एनआरसी और सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था वहां पे, और शाहीन बाग में वही आंदोलन चल रहा था काफी। और वहां पे कई गोली चलने के भी कई घटनाएं आई, और उसमें कहीं ना कहीं हिंदू का यूज किया गया, तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी बीजेपी के खिलाफ, तो ये भी लोगों ने वहां के नकार दिया। और उन्होंने पॉजिटिव राजनीति ज्यादा अच्छी लगी। तीसरा जो रीजन है आम आदमी पार्टी जीतने का वो है वहाँ उनकी लीडरशिप। जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का जो चेहरे थे वो अरविंद केजरीवाल थे, और अरविंद केजरीवाल काफी एक भरोसेमंद चेहरा माना जाता है पूरे देश में, और काफी ईमानदार छवि है, कोई भ्रष्टाचार की छवि नहीं है अरविंद केजरीवाल में, और काफी सिंपल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को उनके द्वारा कनेक्टिविटी दिखी कॉमन मैन को, और इसलिए कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में चुनाव जीतने का। और बीजेपी को जो जो दिल्ली चीफ थे वो थे मनोज तिवारी, और जैसा कि आपको पता है जनता ज़्यादा सेलिब्रिटी को पॉलिटिक्स में नहीं पसंद करती है उतना। एक दो एग्जांपल छोड़ दिया जाए, जैसे जयललिता हो गए, और जो साउथ में एक दो एग्जांपल छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो भी बॉलीवुड या कोई फिल्म इंडस्ट्री से आता है तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है पॉलिटिक्स में। और मनोज तिवारी ने तो वैसे भी अपना जो संसदीय क्षेत्र है उनके एक विकास नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जो मनोज तिवारी का जो चेहरा था ये कहीं ना कहीं उन पर हावी हो गया, और उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर चुनाव से पहले कुछ एक ईमानदार चेहरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े करते तो कहीं ना कहीं कुछ और सीट में इम्प्रूवमेंट मिल सकता था, एक टक्कर दे सकते थे आम आदमी पार्टी को, पर मनोज तिवारी को खड़ा करके उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और वो चुनाव ये हार गए। तो यही वजह है, यही कोई कुछ वजह है जिसके कारण आम आदमी पार्टी जीत गई और बीजेपी जीत गई। सो गाइज थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा डेली करंट अफेयर के रिलेटेड, और भी सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। एक सीरीज भी लाऊंगा जिसमें बच्चों के लिए होगा, जो नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चे जो फ्री में पढ़ पाएंगे, या उनके लिए भी होगा काफ़ी अच्छा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चों के लिए वो काफ़ी अच्छे कैलकुलेशन मैथ्स में वीडियोस लेके आऊँगा, सोशल स्टडीज़ पे लेके आऊँगा, और काफ़ी अच्छा है कुछ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ टेकमैन, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।